आदाब नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। हाथरस मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी भी हाथरस की बेटी को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को डाक के जरिए चिट्ठी लिखी, हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए जिस चिट्ठी में मांग की गई है, जिसको लेकर हमारी टीम ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। बेटी बचाओ का नारे का असली हकीकत सामने आ रही है। दरअसल वो चेतावनी थी, बेटी बचा लो, वो नारा नहीं है। आपने तो हद ही कर दी, महिलाओं को न्याय दिलाना तो दूर, आपने जिन बच्चियों जिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत होती है, आप उनको ही बदनाम और उन पर ही लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। का पूरा तंत्र बलात्कार पीड़िता का कैरेक्टर असैसिनेशन में लग गया है। वो ये बताने में सबके सब जुट गए हैं कि पीड़िता जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका चरित्र वो चरित्रहीन थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था। ये नहायत शर्मनाक बात है, किसी भी महिला को कोई भी पुरुष बगैर उसकी मर्जी के अगर छू भी लेता है तो ये उस पुरुष के लिए डूब मरने की बात है, महिला के लिए नहीं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से चुप हैं, शांत हैं, बेटी बचाओ का नारे का असली हकीकत सामने आ रही है। दरअसल वो चेतावनी थी, बेटी बचा लो, वो नारा नहीं था। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नींद से जगाने के लिए राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सुष्मिता देव जी और महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाली आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे आज समस्त महिला कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे संपूर्ण भारत में वो महिलाओं को खास तौर से जगाने के लिए और उनकी चेतना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को जगाने के लिए ये पोस्ट कार्ड भेज रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को शर्म नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिलाओं का चरित्र हनन करने के बावजूद भी चुप बैठे हैं, आपका तंत्र लगा है चरित्र हनन करने में, तो आपको शर्म आनी चाहिए। हम सब महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुष्मिता जी के निर्देश पर और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के आह्वान पर ये पोस्ट कार्ड अभियान, इसको आज दिल्ली से हमारी अध्यक्षा छोटी बहन अमृता जी के नेतृत्व में हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभारी शमीना शफीक जी भी हैं, मेरी साथ भी कुलीग आकांक्षा ओला जी भी हैं और पूरी दिल्ली की टीम है, जिला अध्यक्ष भी हैं, आम कार्यकर्ता भी है। आज ये मैसेज, ये संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हम महिलाएं ये पहुंचाना चाहती हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब काम करने की बारी है। आपने तो हद ही कर दी, महिलाओं को न्याय दिलाना तो दूर, आपने जिन बच्चियों जिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत होती है, आप उनको ही बदनाम और उन पर ही लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये पोस्ट कार्ड ये आपको आईना दिखा रहा है, ये आज महिलाएं यहाँ से पोस्ट कर रही हैं, आपको चिट्ठियां भेज रही हैं, अपने दिल के इमोशंस को भेज रही हैं, आहत जो हुआ दिल उसको भेज रही हैं कि कुछ तो शर्म कीजिए, बेटियों की महिलाओं की अब तो इज्जत कीजिए, बेटी बचाओ का केवल नारा मत दो, बेटी बचाओ को सार्थक भी करके दिखाइए। अभी आप कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे, इनकी एक ही मांग है कि हाथरस की गुड़िया को इंसाफ मिले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंसाफ की जगह उस पीड़िता का उल्टा वीडियो ही सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया है, जिसमें वह बेटी बोल रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। आखिर प्रशासन और सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या पीड़िता बेटी को न्याय मिलना पाएगा? सीएम योगी के नकली राम राज्य में अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या पीड़ित बेटी को न्याय मिल पाएगा सीएम योगी के नकली राम राज्य में? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न